इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कौन नहीं करता? आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, शायद आप भी यूज़ करते होंगे, लेकिन ऐसे में क्या आपको इंस्टाग्राम के ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में पता है जो आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको पता नहीं है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम के साथ ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़रूरी सेटिंग्स कौन से हैं ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सौरभ आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के चैनल में। सेटिंग नंबर 1, फोटोज ऑफ यू। जो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार आपके फॉलोअर्स आपको इंस्टाग्राम पे किसी भी फोटोज पे जो भी उन्होंने अपलोड किया हुआ है उस पे बार बार आपको टैग करते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है, और ये फोटोज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना परमिशन के वो फोटोज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं दिखाई देगा, तो क्या ये पॉसिबल है? जी दोस्तों, बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये सब आप फोटोज ऑफ यू ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर मनोज सरू सर्च करके मेरे अकाउंट को ओपन करके फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट के नीचे ऑप्शन मिल जाएगा फोटोज ऑफ यू, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड मैन्युअली ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी आपको टैग करेगा तो बिना आपके परमिशन के वो फोटोज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं दिखाई देगा। नंबर 2, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए दोस्तों, ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम में सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई हैक ना कर ले, या फिर तो ऐसे कंडीशन में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। ये करने के बाद आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए सिंपली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस फीचर को टर्न ऑन कर देना है। तो जैसे आप टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का कोड जाएगा आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए, तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे वेरीफाई कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बैकअप कोड दिख रहा है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, तो ये स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल पे सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप तो ये बैकअप कोड आपके मोबाइल में लॉगिन करने के काम आएगा, अगर आपके मोबाइल में कभी OTP नहीं होता है तो दोस्तों जैसे आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, उसके बाद जब भी आप किसी भी इंस्टाग्राम में अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपसे OTP मांगेगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर में एक कोड आएगा। तो जब तक आप वो कोड नहीं डालेंगे वो इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन नहीं होगा, या फिर इसके बदले आप चाहे तो बैकअप कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो शायद ही आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 3, स्टोरी सेटिंग। चलिए दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्टोरी फीचर का यूज जरूर कर रहे होंगे इंस्टाग्राम में। तो आपने देखा होगा कई बार आप अपनी स्टोरी पे फोटोज वीडियो शेयर करते हैं तो कई बार आपके फॉलोअर्स उस पर रिप्लाई कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, और आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि किसी ने आपकी स्टोरी पे रिप्लाई करा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी स्टोरी पे रिप्लाई ना कर सके तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं स्टोरी सेटिंग्स के अंदर जाके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे अलाउ मैसेज रिप्लाई में, जिसमें सबसे पहला होगा everyone, और दूसरा होगा पीपल यू फॉलो, और तीसरा होगा ऑफ। अगर आप पीपल यू फॉलो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिसे आप फॉलो कर सकते हैं वो ही आपके स्टोरी पे रिप्लाई कर सकता है। अगर आप मैसेज रिप्लाई को ऑफ करना चाहते हैं स्टोरी में तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑफ पे क्लिक करना है। नंबर 4, प्राइवेट अकाउंट। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं इंटरनेट में प्राइवेसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी प्राइवेट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो भी फोटोज वीडियो शेयर करते हैं इंस्टाग्राम में वो कोई आपके फॉलोअर्स के अलावा कोई दूसरा ना देख पाए, तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं प्राइवेट अकाउंट की मदद से। तो जैसे आप प्राइवेट अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी यूज़र अगर आपको फॉलो करना चाहे तो आपके पास रिक्वेस्ट आएगा, और जब तक आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आपके फोटोज वीडियोस को नहीं देख सकता आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो इसके लिए सिंपली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा। नंबर 5, लिंक्ड अकाउंट। जी दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर से लिंक करना चाहते हैं तो ये सब आप आसानी से लिंक अकाउंट ऑप्शन की मदद से सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं। इसका एक और ये फायदा है कि अगर आप बाद में कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप आसानी से फेसबुक की मदद से या फिर ट्विटर की मदद से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक्ड अकाउंट्स, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने फेसबुक, ट्विटर या फिर दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लिंक कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। नंबर 6, चेंज पासवर्ड। जी दोस्तों, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड किसी और को दे रखा है और आप उस पासवर्ड को बदलना चाहते हैं तो ये सब आप आसानी से चेंज पासवर्ड की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपका करंट पासवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड सेम पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको यहाँ ऊपर की साइड राइट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। नंबर 7, पुश नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है और इस सेटिंग्स को आपको जरूर यूज़ करना चाहिए अगर आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको लाइक्स मिलते हैं, कॉमेंट्स मिलते हैं या फिर मैसेज मिलते हैं और वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के फ़ोन में बार बार बजते रहते हैं, जिससे कि आपका दिमाग खराब हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो अगर आप उन नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो ये सब आप आसानी से पुश नोटिफिकेशन के अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके कोई फोटोज़ को लाइक करता है या वीडियोज़ को लाइक करता है और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन ना आए तो आप सिंपली यहाँ पर टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कमेंट के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कमेंट्स के लाइक के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 जरूरी सेटिंग्स जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। और आपको मुझसे पॉजिटिव चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आपका क्वेश्चन मुझे ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोज पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।